अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, मैं हमेशा की तरह जब कुछ स्पेशल चीज़ मेरे पास आती है तो मैं वही करता हूँ कि वो जो स्पेशल चीज़ें आप तक के पहुँचाऊँ। और मेरे नज़र में एक बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल चीज़ मेरे पास आई है जिसके लिए मैं आया हूँ होटल रज्ञान में। मैं ना फूड ब्लॉगिंग के बहुत सारी वीडियो देखता हूँ भाई, जैसे 3-4 तो देखता हूँ। उसमें से एक वीडियो मैं देखता था, बार बार कंटिन्यू बिलोंग करती थी हैदराबाद से, जी मैं बात कर रहा हूँ पत्थर गोश्त और पत्थर चिकन की। और उसके साथ साथ यहाँ पे आने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि होटल रैयान में मटन चिल्ली, मटन के बहुत सारे आइटम जो अब तक कि हमने सिर्फ मुगलाई में सुने थे, बट यहाँ पे वो चाइनीज़ में भी अवेलेबल है। और उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो देखने के बाद में आप ज़रूर उसमें कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स के साथ साथ एक बार यहाँ पे आके टेस्ट करेंगे और फिर उसका फीडबैक आप जो है कमेंट्स में डालेंगे, ताकि अपने वजह से किसी को और सपोर्ट मिले। और देखिए, कोई चीज़ अगर अच्छी है तो रिकमेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं होटल रैयान में। यहाँ पे एकदम ट्रांसपेरेंसी रखी गई किचन के बारे में, क्योंकि किचन इनका एकदम ओपन है। आइए मेरे साथ में दिखाता हूँ मैं आपको। ये इनका किचन है जहाँ पे रुमाली रोटी बनती है, जिसको आप देख सकते हो सामने, लाइव किचन है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मसाले एकदम लाइव रखा हुआ है। उसके साथ में इनके जो तवा बोटी वाले आइटम जो भी है, उसके साथ में ये देखिए, अभी इनका पत्थर गोश्त, पत्थर चिकन। उस्ताद क्या है, पत्थर गोश्त है चिकन? पत्थर गोश्त और पत्थर चिकन वो भी बन रहा है, उसका भी लाइव शो चल रहा है आपके सामने। और उसके बाद में ये काउंटर जो इनका दिख रहा है चाइनीज वाला, यहाँ पे चाइनीज में आपको मटन में बहुत सारी वराइटीज मिलेंगी, मटन क्रिस्पी, मटन चिली, यानी ये मटन वाले आइटम जो चाइनीज में आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर देखिए, पत्थर गोश्त के बारे में हमने सुने थे, बट पत्थर गोश्त बनता कैसा है वो आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये प्योरली बिलोंग करती है डिश हैदराबाद को, ठीक है, बट वी आर सो लकी कि हमको हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे एरिया में खाने के लिए मिल रही है। मसाला कुछ स्पेशल है क्या उस्ताद? इसका अलग मसाला होता है क्या? अलग ही रहता है क्या? तो स्टार्ट करते आइए। हाँ, लेमन तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, थिकनेस जैसे होना चाहिए वैसी है, माशाल्लाह। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखते हैं, जबरदस्त जबरदस्त भाई, सुपर बेटर। एक काम करता हूँ मैं, विदाउट इसके एक बार सिर्फ ये खा के देखता हूँ। ओह वाह, ये देखिए ना, ये देखिए रेशे रेशे देखिए ना, ये जो हाथ से गोश्त ऐसा टूटना, इससे समझ में आता है कि ये कितने अच्छे से पकाया गया, कितने अच्छे से इसको जो है ध्यान दे के हर एक चीज़ को बारीकी से नोट करके देखिए बनाया गया है। वो देखना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अब ये विदाउट सलाद के मैं इसको लेता हूँ एक बार। भाई ऑसम भाई, माशाल्लाह भाई, मैं सीरियसली बोलूँगा, एटलीस्ट यहाँ पे एक बार आप उसको टेस्ट करना तो बनता ही बनता है। फ्रॉम माय साइड सुपर ऑसम, नो डाउट, माशाल्लाह। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, बाकी की चीज़ें बाद में कवर करते हैं, क्योंकि खाते वक्त ज़्यादा बात करना सही नहीं है। होटल में अगर हम जाते हैं ना, तो हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब उसमें टेबल, बाद में बहुत सारी चीज़, बहुत ही खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट बताएं। वुडन टेबल, साइड में एक छोटा सा मिनी गार्डन, अगर ऑफिशियली अगर किसको आना है 10-15 लोग आके यहाँ पे आराम से सीख पराठा हो गया, बाद में बहुत सारी डिशेज हैं इनकी, ये छोटी मोटी पार्टी कर सकते हो, इतना बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट है। फैमिली रूम होना बहुत ज़रूरी है, फैमिली प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है, और उसको इन्होंने कैसे मेंटेन करा एक बार देखते हैं। आइए, आने के बाद में आपकी प्राइवेसी है, आप अपनी फैमिली, अपने बच्चे, जो भी आपकी बड़ी फैमिली, तो आके आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। बढ़िया है, अल्लाह इनको कामयाब करे। जी भाई, यहाँ पे पार्सल कैसे के लिए? चिकन सीख के लिए आया, चिकन सीख के लिए आया। माशाल्लाह बहुत अच्छा, टेस्टी है और क्वांटिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। और
सस्ता है, मतलब ज्यादा बजट वाला बजट वाला काम है। ओपन किचन और फैमिली रूम, दो दिन मेरी फैमिली को भी लेके आया था, अच्छा उनको भी बहुत टेस्टी लगा खाना, और चिकन भी बहुत अच्छा लगा, फ्राइडे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा। और मतलब मैंने कि अभी पार्सल भी मंगाया मुझे। क्या नाम आपका? शाहिद। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शाहिद भाई आप कहाँ से? मैं इधर कल्याण से। कल्याण से होगा। तो शाहिद भाई यहाँ पे कब से आना हो रहा आपका? मैं रिसेंटली एक वीक से आ रहा हूँ। अच्छा, एक वीक से। ये मेरा थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम है, हाँ। क्या बात है, माशाल्लाह। देखिए ना, अगर ये होटल स्टार्ट हो गया, अगर एक से डेढ़ महीना हो गया और एक डेढ़ महीने में एक ही कस्टमर रेगुलर एक से तीन मरतब आ रहा है, और उन्होंने शायद उनके दोस्त को भी लिखा था ना? जी जी, ये मेरा दोस्त है, ये हम थर्ड टाइम आया, तीसरे दोस्त के साथ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए। यानी एक ही होटल में तीन मरतबा ये आ रहे, और जब भी इनका दोस्त आता है उसको लेकर आ रहे। यानी शाहिद भाई यहाँ के इनके रेगुलर कस्टमर हो चुके हैं माशाल्लाह। भाई क्या नाम आपका? वाजिद। वाजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वाजिद भाई कहाँ से आप? मैं मुमरा से आया। मुमरा से क्या? अरे भाई, मुमरा तो खाने का बहुत बड़ा आप है। तो कैसा लगा मुमरा के टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में? सब सेम था, सेम था। सर्विस भी बहुत अच्छी थी। सर्विस अच्छी। क्या खाई भी अपने भाई? जी, मैं हम लोग ने चिकन लेग पीस खाया। चिकन लेग पीस, बारबेक्यू खाया। ओके। और फिर सीख सीख और सीख पराठा भी लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात, माशाल्लाह। मतलब को लगा क्या भाई? और अच्छा था, टेस्ट में बढ़िया है। सलाम वालेकुम। जो भी आयान होटल है, ये होटल का बाकायदा बहुत टेस्टी खाना है, और जब से होटल चालू हुई है हम लोग के घर पे फैमिली में पार्सल जाता है, हम लोग भी इधर खाते हैं, और बहुत बहुत ही अच्छा रजित खाना है, और बहुत अच्छा है अयान होटल, ध्यान में रखना। और कोई भी आप भी आइए और बाकायदा टेस्ट करके। शुक्रिया अशफाक भाई। और जी, ये जो कॉन्सेप्ट लेकर हमारे सामने आए ना, मतलब इस इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है, तो हमारे साथ में है रियान भाई। रियान भाई अस्सलाम वालेकुम। तो रियान भाई, जहाँ तक कि मैं आपको जानता हूँ, तो मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप होटल इंडस्ट्री में आप कदम रख रहे हो। फर्स्ट टाइम है, डेढ़ महीना बस। डेढ़ से पहले हम लोग गए थे हैदराबाद घूमने, अच्छा, तो वहाँ हम लोग ने एक चीज खा चुके थे। अच्छा। तो एक बहुत अरसे से मेरा प्लान था कि मैं होटल खोलूं। हाँ। और होटल में चाइनीज मोगलाई ये सब, हाँ, तो अभी पूरे मोहल्ले में आम हुआ। जी जी बिल्कुल। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट लाएंगे। हाँ। तो पत्थर गोश्त, फिर वहाँ जो हैदराबाद में मैंने डिशेस देखा था, सीख पराठा, पत्थर, हाँ, गोश्त, रुमाली रोटी, हाँ, भेजा गुर्दा, अच्छा वो भी आने वो में भी है, नहीं है वो अवेलेबल, अच्छा, है वो भी अवेलेबल है, अवेलेबल है, भुना गोश्त, वाह वाह वाह, वो सब अपने इधर मैंने रखने का एक कोशिश किया। क्या बात है माशाल्लाह। तो रियान भाई देखिए, अभी बहुत ही करीब हम लोग रमजान में, तो रमजान के लिए आपका प्लान क्या है, कुछ अलग स्पेशल है? इंशाल्लाह रमजान के चांद रात से ही पहले तो सबसे पहले अपने स्टार्टर्स चालू होंगे इफ्तारी के लिए। इफ्तारी के लिए, इफ्तारी के गिलोटी कबाब है तुम्हारे, चपली कबाब है, स्टिक्स है अलग अलग, क्रिस्पी है, सीख है, रोल्स है, तुम्हारा बैदा रोटी है, ये सब तुम्हारा इफ्तारी में रहेगा। फिर उसके साथ सातों साथ तुम्हारा मोहब्बत शरबत, मोहब्बत शरबत, यस बहुत फेमस है मोहब्बत शरबत, वो रहेगा, वो तुम्हारा जामा मस्जिद का फेमस है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फेमस है वो रहेगा। फिर तुम्हारा अलग अलग मॉकटेल्स है, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, पेरू, लीची, सब रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी प्लानिंग है माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। और शायरी के बारे में कुछ? और शायरी के बारे में भी इंशाल्लाह इफ्तारी से लेके शायरी तक का कॉन्सेप्ट रहेगा। तुम्हारा शायरी के लिए भी तुम्हारा पाया, अच्छा, भेजा, अच्छा, गुर्दा, जो खीमा, जो आमतौर पे शायरी के लिए लगता है, जो अपने एरिया में है नहीं, अच्छा, वो भी रहेगा इंशाल्लाह। क्या बड़ी बात माशाल्लाह। देखो रमजान का भी कॉन्सेप्ट इनका ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बस दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे। पार्सल के बारे में क्या है आपका? नॉर्मली पार्सल के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है भाई, हम इतने किलोमीटर जाएंगे या तो नॉर्मली हमको 500 का ऑर्डर होना चाहिए, आपका क्या कॉन्सेप्ट है? कल्याण, डोमोली, उल्लास नगर, किधर भी, मतलब ये जितने भी देख रहे हैं, जितने भी एरिया में 50 रुपए का भी मंगाएंगे तो 50 रुपए की भी फ्री होम डिलीवरी। ये तो ऑफर लगी है, ऑफर लगा है तुमने तो भाई, ये मेरे ना लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। नॉर्मली मैं सीरियसली बोलता हूँ, नॉर्मली एक कंडीशन अप्लाई डॉट होता, और वो डॉट ये होता कि आपको मिनिमम 500 का ऑर्डर करना है या तो मिनिमम आपको इतनी क्वांटिटी लेनी है। बट यहाँ पे देखिए, अगर आप कल्याण के किसी भी कोने में बैठे हो, आप एक कॉल कीजिए, आपको वहाँ पे 50 का भी डिलीवरी मिल जाएंगे। दिस इज प्योरली कस्टमर सर्विस, बाकी और कुछ नहीं भाई। सीरियसली माशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आपका पत्थर गोश्त और पत्थर चिकन जो आपने खिलाया ना, तो एकदम ऑसम था। और दुआ यही करूंगा अल्लाह बहुत खूब खूब तरक्की दे, और इंशाल्लाह रमजान का महीना आ रहा है, और आपके रमजान के कॉन्सेप्ट को भी अल्लाह खूब तरक्की दे। बिल्कुल, आमीन, आमीन, आमीन। दुआ में याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, एक बार तो आना बनता ही है होटल रियान में, अन्ना साहिब वर्तक रोड, नियर बारदान गली, लक्की साइकिल के सामने।